नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज हाई कोर्ट जो आपका ग्रुप सी डी और स्टेनो की जो वैकेंसी है उसका फॉर्म का लास्ट डेट है। काफ़ी कम समय आपको दिया गया था, तो जो लोग भी अभी तक नहीं फॉर्म भरे हैं या कोई भी समस्या है तो भैया सचेत हो जाइए, आज लास्ट डेट है, 12 बजे तक भर लो। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दुविधा है आपको सर्टिफिकेशन से लेकर कि मेरे पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास 7वीं और 8वीं की मार्कशीट नहीं मिल रही है। 7वीं 8वीं की मार्कशीट की जरूरत नहीं है, जब आप 10th पास हो तो उसकी जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो वो ऐसी समस्याओं का तो कोई वही नहीं है कि आपको उस समस्याओं की वजह से आप फॉर्म ना भरो। रही बात ट्रिपल सी का, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि आपको ट्रिपल सी के लिए क्या है, कि अगर आप वहां पे भरने जाओगे तो कुछ जगह पे आपको ये मिल रहा है कि नहीं वहां पे सिर्फ ट्रिपल सी का ही कॉलम आ रहा है, कोई भी इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है। भाई जब मिनिमम क्वालिफिकेशन ट्रिपल सी है तो वहां पे सब चीज थोड़ी लिखेगा, वहां पे बस आप एस कर दो, बात खत्म। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आज अंतिम दिन है आपके फॉर्म की और कल जो है लास्ट पेमेंट का डेट है, और 15 और 16 तारीख को करेक्शन है कि अगर कोई भी आपको करेक्शन दिक्कत हो गया हो साइन में, नाम में, पिताजी के नाम में, मदर नेम में, या मार्कशीट के कोई डेटा में, तो ये जो दिक्कत होती है जो बाद में आपको कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस समस्याओं से बचने के लिए 15 और 16 तारीख को जो आपका करेक्शन का डेट है उसमें फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा, प्रिंट करा लीजिए जो लोग फॉर्म भर चुके हो, और एक बार सरसरी निगाह से देख लो कि कहां गलतियां हैं, ताकि 15-16 में करेक्शन एक बार हो जाएगा तो लास्ट में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। पता चले आपके ही नाम में कोई एक स्पेलिंग छूट गया, आपके नाम की गलती जो है बहुत दिक्कत दे देती है, चाहे आपके साइन की गलती दिक्कत दे देगी। ठीक है, बाकी सबका तो लो एक समस्या का समाधान होता है कि आप क्या कहिए एफिडेविट बनवा लिए तो आपका समस्या का समाधान लास्ट में डीवी में हो जाता है, लेकिन आपके नाम में और आपके सिग्नेचर में अगर दिक्कत हो गई तो हो सकता है एग्जाम में ही ना बैठने को मिले आपको। तो ये बातें जरूर ध्यान में रखिएगा और इसे क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। तो 15-16 को आप लोग अपना अच्छे से फॉर्म को देख लीजिएगा, कोई गलतियां ना हुआ हो। अब रही बात, बच्चे पैनिक हो गए हैं एक सवाल को लेकर कि एग्जाम सर दिसंबर में ही हो जाएगा, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या इतने कम समय में हम तैयारी कर लेंगे? सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा तो थोड़ा सा मोटा मोटा ये देख लिया जाए कि अभी आपका, हम बात करें कि 15 और 16 को आपका फॉर्म का करेक्शन डेट चलेगा, नवंबर तक ये करेक्शन होगा। इसके बाद से डाटा आपकी जो फीडिंग हो गई है, हर चीजें हो जाएगा, तो नवंबर में कुछ नहीं होने वाला। दिसंबर में अगर आपको लगता है कि एग्जाम होगा और 15 दिसंबर के बाद, तो 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपको 1 दिसंबर तक एडमिट कार्ड का प्रोसीजर पता चल जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन एग्जाम है तो तुरंत हो जाएगा। कुछ बच्चों का यह कहना है कि सर ऑनलाइन एग्जाम में सेंटर नहीं मिलता है इसलिए एग्जाम जो है डिले होता है, लेकिन ऑफलाइन में नहीं, एजेंसी पर डिपेंड करता है। एनटीए जो है यह क्या खाली है, मेन एजेंसी पे डिपेंड करता है, इसके पास और भी एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटियों के एग्जाम है, यूजीसी के एग्जाम है, कई काम है ना। तो जब एजेंसी वही है, कंडक्ट उसी को कराना है, तो खाली भी तो होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जिम्मेदारी तो इसी के ऊपर है। ठीक है, तो यह ध्यान रखो कि 1 दिसंबर तक एडमिट कार्ड आना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 15-16 नवंबर तक आपका यह इतना जल्दी नहीं होगा। और कोई भी एग्जाम, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में भी आप लोग कह रहे थे कि सर सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम 1-1.5 महीने में हो जाएगा, बहुत जल्दी होता है, लेकिन जितना मैंने बताया कि मिनिमम का आपको 70 से 80 डेज जो फॉर्म का फॉर्म स्टार्ट होता है और जब आपका एग्जाम डेट होता है उसके बीच की जो गैपिंग होती है 70 to 80 डेज, 70 से 80 दिन मिनिमम का होना चाहिए। ठीक है, तभी आपके आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। ये एक मैंने कहीं एक आर्टिकल में भी देखा था, कोई मैंने न्यूज देखी थी कि जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के अनुसार मिनिमम 19 डेज की 80 डेज का गैप होना चाहिए आपके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नवंबर दिसंबर मेरे हिसाब से आपकी जो एग्जाम डेट होगी
वो किसी हालत में दिसंबर नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इतना पैनिक होकर तैयारी ना करो कि एग्जाम डेट दिसंबर है। एग्जाम डेट आपको यह कह सकते हो कि जनवरी लास्ट वीक, ठीक है, जनवरी लास्ट वीक में आपके कहीं एग्जाम होने की संभावना है, वो भी 100% नहीं, ये मेरा 80% उम्मीद है। बाकी 20% में ये फरवरी भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपके पास पूरा नवंबर बचा है, ठीक है, आपका 13 तारीख आज है, पूरा नवंबर है, ऐसा नहीं है कि नवंबर दिसंबर है, जनवरी मैंने बोला आपको अच्छा खासा, और सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो और अच्छे सोर्स के साथ तैयारी कर रहे हो कि आपको लिमिटेड टाइम में क्या पढ़ना है, मैथ्स है वो भी आपका खत्म हो जाएगा, लिमिटेड ही चीजें पढ़नी, हिंदी आप जनरली पढ़े ही हो यूपी में हो तो ठीक है, इंग्लिश आपके लिए नया है, उसमें आपको अच्छा से थोड़ा सा जोड़ लगाना है, और जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें भी आपको वही 25-25 के ऑलमोस्ट आएगा, वो भी कुछ ये नहीं कहा जा सकता, एनटीए करा रही है तो हो सकता है किसी सीक्वेंस में आगे पीछे हो जाए, लेकिन पढ़ना हमें उतना ही, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही पॉलिटी पढ़ना है, तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं पढ़ना ज्यादा है। कोर्स आपके पास अच्छा खासा है, क्लासेस भी हमारे यहां स्टार्ट कर दिया गया है, क्लासेस प्रॉपर आपको मिल रही है। तो जो लोग भी अगर कोर्स से कि एक ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे लिमिटेड टाइम में क्या पढ़ के हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भाई कि अगर आपको एक गाइडेंस प्रॉपर चाहिए, एक नोट्स चाहिए, एक क्लास चाहिए, रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ये चीजें होती है ना, बाकी तो तैयारी तो आप सब जानते हो कि आप किसी ना किसी एग्जाम की करते हो, तो उसके लिए जो है आपका कोर्स चलाया जा रहा है और अभी ऑफर प्राइस में है, और ये आज लास्ट डेट है, तो हो सकता है कि आज और कल तक ये ऑफर रहेगा, तो ये ऑफर जो प्राइस है आपको ऑलमोस्ट 599 में ही पूरा बैच आपको दिया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो स्टेनो का हो, चाहे सी का हो, चाहे डी का हो, और इसमें सभी क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से चलाई जा रही हैं, तो जिनको भी इनरोल्ड करना है वो परीक्षा प्लस ऐप से कर सकते हैं, ठीक है, परीक्षा प्लस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप जो है इस बैच में इनरोल्ड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एग्जाम डेट दिसंबर आप बोल रहे हो वो एकदम गलत है, मेरे हिसाब से जनवरी लास्ट या फेब वीक में जाएगा आपका, वही मान के चलिए, इससे पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला। तैयारी की बात मैंने कहा थी कि तैयारी के लिए आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, 2 महीना आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होता है, अगर देखा जाए तो 60 दिन आपके पास हो गए, बाकी के दिन अगर जनवरी में हम रिवीजन पर्पज से भी मांग लें तो हमारे पास 20 दिन अगर 60-70-80-85 दिन हमारे पास हैं तो उसको हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, 60 दिन ही हमारे लिए बेहतरीन होता है अगर हम अच्छे, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि एकदम फ्रेशर तैयारी कर रहे हैं, आप भी लोग किसी ना किसी एग्जाम से तैयारी कर ही रहे हो, हाँ जो फ्रेशर है उनको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। अगर आपको कोई समस्या है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तैयारी में किसी प्रकार की बाधा आपके सामने उत्पन्न हो रही है, तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से बताइए, पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।